गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज यू नो आई एम सरिता सोनी फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। लेट अस स्टार्ट द साइंस ऑफ द सिक्स स्टैंडर्ड एंड दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट विथ मी। नाउ वी विल स्टडी द पार्ट थर्ड। इन द पार्ट सेकेंड वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द फूड। पार्ट सेकेंड में हमने क्या किया था, डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड किए थे और उसके अंदर हमने क्या किया था, एक हमने सबसे पहले पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हमने पढ़ा प्रोटीन, आफ्टर दैट फैट, और उसके बाद में आया था आपका प्रोटीन फैट हो गया, फिर विटामिन्स एंड मिनरल्स। नाउ लेट अस स्टार्ट द सिक्स नंबर, दैट इज़ द रफीज। व्हाट इज़ द रफीज? आपका रफीज क्या होता है? रफीज द फाइब्रस इनडाइजेस्टिबल मटीरियल प्रेजेंट इन आवर फूड इज कॉल्ड रफीज। वो फाइब्रस माने रेशेदार इनडाइजेस्टिबल, जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, वो मटेरियल जब हमारे भोजन में प्रेजेंट होता है तो हम उसे कहते हैं रफेज। इट डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रिएंट्स। रफेज, रफ मतलब बेकार, है ना, मतलब उसमें किसी तरह का कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है। ये बेकार नहीं है, मैंने सिर्फ आपको वर्बल मीनिंग बताने के लिए, समझाने के लिए कहा है। ये बेकार नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड में। हमारी डाइट के अंदर रफेज का शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वंस अगेन, द फाइब्रस इनडाइजेस्टिबल मटेरियल प्रेजेंट इन आवर फूड इज कॉल्ड रफेज। रेशेदार, जो डाइजेस्ट नहीं हो, ऐसा मटीरियल जो हमारी फूड में प्रेजेंट होता है, तो दैट इज़ नोन एज द रफेज। रफेज डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रिएंट्स, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो वो कैसे हेल्पफुल है? पहला नंबर, इट एड्स बल्क टू आवर फूड, यानी कि ये हमारी भोजन में क्या कहता है, बल्क्स करता है, मतलब उसको बड़ा बना देता है। सपोज़ आप खाना खा रहे और खाना खाते खाते आपने क्या किया, एक खीरा खा लिया, तो आपका भोजन बढ़ गया। तो इट एड बल्क टू आवर फूड, और उसके कारण क्या होता है, वी कैन रिमूव अवर अनडाइजेस्टेड फूड, है ना, अनडाइजेस्टेड फूड माने वेस्ट। वी कैन रिमूव अवर वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी ईजीली, माने कि इट प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन, जो एक कब्ज की बीमारी होती है उसे वो रोकता है। नंबर टू आता है, इट कैन एब्जॉर्ब अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर एंड हेल्प्स रिटेन वाटर इन द बॉडी। देखिए बेटा, हमारी बॉडी जो होती है उसके अंदर क्या होता है, पानी भी बहुत ज़रूरी होता है। बिना पानी के आपको मालूम है बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, और पानी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। तो वाटर को हमारी बॉडी में वो रिटेन कर सके, रोक के रख सके, उसके लिए हमें जो है रफेज की नीड होती है। अब आपका पूछ रहे होंगे कि रफेज कितने किस चीज़ों में होती है। रफेज आपका जो मेन सोर्स होता है रफेज में, सबसे ज़्यादा होता है सलाद। हम लोग सलाद खाते हैं, कहते हैं ना हमारी डाइट में सैलड होना चाहिए, तो और वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं आपके पास में, अनपिल्ड एप्पल। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एप्पल को क्या करते हैं, उसको छिलका निकाल देते हैं, उसका कवर अगर अपन ने निकाल दिया तो वो एप्पल हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहती, क्योंकि उसके हमके न्यूट्रिएंट्स मिल गए, लेकिन उसके साथ में हमको रफेज भी तो चाहिए। तो अगर हम उसे छिलके के समेत खा लेते हैं तो मीन्स रफेज हमने खा लिया। अब बताया कि एक जैसे रफेज की अब बात करते हैं, तो इसब घोल क्या होता है, ISABGOL, इसब घोल एक वाइट कलर का रेशे रेशे से, जैसे फूस होते हैं ना आपके किसी चीज़ के, वैसा एक होता है, रफ रफ चीज़ होती है। तो वो क्या होता है, वो एक हस्क होता है, एक पौधा होता है, उसका हस्क होता है ये। और ये हस्क आपको क्या करता है, ये हस्क आपको कॉन्स्टिपेशन से मुक्ति देता है, कॉन्स्टिपेशन आपका रिमूव करता है। जैसे आप कायम चून पेपर में भी ऐड आते हैं, कई बार में टीवी पे भी आपका ऐड आता है कायम चून, तो वो कायम चून क्या करता है, आपको कॉन्स्टिपेशन से मुक्ति देता है, लेकिन उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। अब जैसे जो इसब घोल है वो एक क्या है, वो एक नेचुरल प्लांट है, प्लांट प्रोडक्ट है क्योंकि ये आप, तो उसका जो सीड होते हैं, उसके हस्क होते हैं, हस्क है ना, उसके कवरिंग, उसका भूसा जो होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं दूध के साथ में, और ये हमारी कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के लिए बहुत ही एक अच्छा तरीका है। तो है यू नो अंडरस्टैंड टोटली व्हाट इज़ द इसबगोल, सॉरी व्हाट इज़ द रफीज। अब सेवेंथ नंबर पर आता है आपका वाटर।
अब आपने देखा होगा, अगर आप पानी ना, वाटर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर कॉम्पोनेंट ऑफ फूड। पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देखिए आपकी बॉडी के अंदर इट इज़ द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये आपका, और एसेंशियल होता है। बॉडी नीड्स हमारी बॉडी को पानी चाहिए। क्यों क्यों चाहिए सब पानी? पहला नंबर, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी, हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में इसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में मदद करता है। नंबर टू, इट रेगुलेट्स टेम्परेचर, रेगुलेट्स टेम्परेचर। ये क्या करता है? आपकी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करता है। कभी सर्दी होती है तो आपको क्या लगता है आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, गर्मी होगी तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा? नहीं, हमारी बॉडी के अंदर वाटर होता है, और आपको क्या कहते हैं डॉक्टर, कम से कम 8 से 10 ग्लास तक, है ना, 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर, या हम यूँ कह सकते हैं 2-3 लीटर वाटर जो होता है वो पर डे में आपको कंज्यूम करना चाहिए। या तो 8-10 ग्लास चाहिए या 2-3 लीटर जो पानी होता है आपको डेली पीना चाहिए। क्यों? बिकॉज इट्स रेगुलेट योर टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। आपको पसीना आता है, बहुत सारा पसीना आपका बाहर निकल जाता है, तो ये भी क्या करता है, मोड ऑफ रेगुलेटिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को रेगुलेट करने का एक तरीका है। तीसरा होता है, इट हेल्प्स आवर बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड दैट वी ईट। देखिए, एब्जॉर्ब, इट हेल्प्स इन द helps to absorb nutrients from the food। ये क्या करता है, that we eat, हम जो भोजन खाते हैं उसमें से जो भी nutrients absorb करने का काम करता है ये कौन करता है, water करता है। अगर water नहीं होगा तो आपका ये absorption नहीं होगा। और body के अंदर 2-3 लीटर जो होता है वो पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए, या 8 से 10 ग्लास पानी जो होता है पीना चाहिए आपको। पानी जो होता है वो हम एक तो हम पानी एक तो हम दिन भर पानी पीते हैं, उसके द्वारा पानी जाता है। इसके अलावा हम जैसे चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, दूध पीते हैं, तो वो भी क्या होती है, उसमें भी पानी की एक पर्टिकुलर मात्रा होती है, तो उसके द्वारा हम लोग जो होता है इनटेक करते हैं वाटर को। उसके अलावा हम जो खाना खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, इन सब में भी बहुत अच्छा पानी होता है, और कुछ मात्रा में भी हमको पानी दे देता है। अच्छा, अब व्हाट इज़ द, एक कंडीशन होती है कि अगर हम पानी ना पिए, सपोज़ क्या हुआ, अगर आपने पानी नहीं किया, आप भी अपनी ज़िद कर गए, बोला हम तो पानी नहीं पिएंगे, है सर्दी लगती है। जनरली गर्मी में तो बच्चे पानी पी लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि सर्दी के अंदर वो नहीं पीते हैं। अब पानी अगर आपने नहीं पिया, या गर्मी बहुत तेज़ है और उसके अकॉर्डिंग आपने पानी नहीं पिया, गर्मी में आपको मालूम है एज यू नो पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, तो क्यों, अब क्या करते हैं सब, अगर पानी आपने नहीं पिया तो उसके आपके साथ में एक पोजीशन आ जाएगी, आपकी कंडीशन डेवलप हो जाती है बॉडी में, जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम योर बॉडी। यानी व्हाट इज़ द डिहाइड्रेशन, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ द बॉडी, है ना, क्या होता है EXCELL, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी, excess loss of the body from loss of the water from the body tissues, body tissues भी बोल सकते हैं, नहीं याद रहे तो आप body भी बोल सकते हैं, that is known as the dehydration। बेटा आपके body के अंदर क्या हो गया, dehydration हो गया। आप dehydration किसके कारण होता है, number one अगर आपने अपनी body की requirement के हिसाब से पानी नहीं पिया है, और number two अगर आपको vomitings हो गई बहुत ज़्यादा, ठीक है, loose motions आपके हो जाते हैं, vomitings हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो होता है बहुत सारा पानी निकल जाता है। और इस तरह से तो इनफ वाटर आपको पीना चाहिए, और अगर इस तरह से कभी हो जाए तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, एक घोल लेते हैं, एक चीज़ बनाते हैं जिसको बोलते हैं ORS सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। एक बात याद रखना बेटा, जब भी आप ORS की फुल फॉर्म लिखे
इसका है तो ओ आर और एस तीनों लेटर आपके कैपिटल में आने चाहिए। ओरल रिहाइड्रेशन का जो है सॉल्यूशन होता है ये मार्केट के अंदर आपको रेडीमेड मिलता है, यू कैन टेक और एक ग्लास के अंदर उसको डाल के पी भी सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको घर में बनाने चाहते हैं तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, 1 लीटर तो लेंगे आप वाटर। क्या लेंगे बेटा, 1 लीटर वाटर लेंगे, ऐड करेंगे 4 टीस्पून उसमें क्या करेंगे, शुगर ले लेंगे, और 1 टीस्पून उसमें क्या लेंगे, एक चम्मच आपने क्या लेना है, सॉल्ट लेना है जो आप रोज खाते हैं डेली, और प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, और इस तब का आपको उसको मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद में जो आपका प्रेयर होता है उसको कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अगर आपको बाय किसी भी कारण से अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से लेकर के अपनी बॉडी के डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। और आपको अगर नहीं लगता है कि आप बनाएंगे तो आप मार्केट से भी उसको परचेज कर सकते हैं। उसके बाद ये रिहाइड्रेशन हो गया, अब उसके बाद में अपन कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। क्या बोलते हैं अपन, बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डाइट क्या होती है। द फूड आइटम व्हाट एवर वी ईट इन आवर डेली, हम पूरे दिन में इन द होल डे पूरे दिन में जो भी कुछ हम खाना खाते हैं वो हमारी डाइट कहलाती है। द फूड दैट वी ईट ड्यूरिंग द होल डे, द फूड दैट वी ईट ड्यूरिंग द होल डे इज नोन एज द डाइट। और उसके अंदर बहुत सारे फूड आइटम हो जाते हैं, जैसे हो सकता है आपने आमलेट खाया, हो सकता है आपने छोले भटूरे खाए हैं, ठीक है, सब्जी रोटी खाई है आपने, तो ये सब आपने दही खाया, वेजिटेबल खाई, मीट खाया, मिल्क खाया, फिश खाया, तो ऑल दीज थिंग्स आर द डाइट। अब डाइट तो हो गया, अब बैलेंस क्या होता है भाई, डाइट तो आपको समझ में आ गया लेकिन बैलेंस डाइट क्या हो गया। बैलेंस डाइट का मतलब, बैलेंस का मतलब क्या होता है, बराबर। बैलेंस का मतलब क्या होता है, बराबर। वो जब आप मार्केट में कुछ लेने जाते हैं, केले लेने जाते हैं, उसको 2 किलो बोला तो वो एक तरफ 2 किलो को बांट रखता है, दूसरी तरफ केले रखता है और बिल्कुल बराबर करके देता ना, तो इसी तरह से हमारी बॉडी में भी क्या चाहिए, आपको डाइट चाहिए लेकिन बराबर चाहिए, बैलेंस चाहिए। तो द बैलेंस डाइट दैट कंटेन्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स रफेज एंड वाटर फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज द बैलेंस्ड डाइट। यानी कि एक ऐसी डाइट जिसके अंदर हमारी बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वाटर, रफेज एट्सेट्रा, जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो प्रॉपर अमाउंट के अंदर मिलते हैं, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। द डाइट दैट कंटेन्स The diet that contains proper amount of all the nutrients, proper amount of all the nutrients, roughage and water all the nutrients, roughage and water for the proper growth, for the proper growth and development of the body. मतलब हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जितना भी हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, रफेज चाहिए और वाटर चाहिए, उतनी मात्रा के अंदर जब हमारी बॉडी को मिलता है तो हम उसको कहते हैं, दैट इज नोन एज द इज कॉल्ड, अपने आप लिखो, बैलेंस डाइट। ओके, कोई प्रॉब्लम, द कंपोजिशन ऑफ ए बैलेंस डाइट डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड किस पे करती है, नंबर 1 सेक्स पे करती है, नंबर 2 एज पे करती है कि एज क्या है, और नंबर 3 करता है ऑक्यूपेशन।
तो तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है, पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है। पहला नंबर सेक्स है, तो जो मैन होते हैं वो जनरली हार्ड वर्कर होते हैं और लेडी जो होती है वो इतना फिजिकल वर्क नहीं कर पाती है। जनरल थिंकिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सेक्स, बट ऐसा होता है। तो सेक्स के अंदर तो जो मेन होता है, मेल होता है, उसकी डाइट और फीमेल की डाइट में थोड़ा फ़र्क होता है। अब आता है आपका एज, एज के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो एक छोटा ग्रोइंग चाइल्ड होता है उसके अंदर चूंकि वो डेवलपिंग स्टेज में होता है तो ही नीड्स मोर प्रोटीन। क्या चाहिए उसको? प्रोटीन करते हैं, ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ बनने वाले होते हैं। और इसी तरह से जो प्रेग्नेंट लेडी होती है तो वहाँ पर उसके वॉम्ब में क्या होता है, एक बच्चा डेवलप हो रहा होता है, तो उसके लिए उसको प्रोटीन डाइट जो होता है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके बाद आता है आपका थर्ड नंबर, जैसे ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के अंदर क्या होता है, ऑक्यूपेशन में कि किस आप बिजनेस से जुड़े हुए थे, क्या आपका अर्निंग का तरीका है, किस धंधे से आप कमा कर खा रहे हो। तो आप जैसे सपोज़ करिए कि आप एक जगह पूरे दिन चेयर पे बैठे रहते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा डाइट जो होती है फ़र्क पड़ जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति जिसको कि जैसे एथलीट है, रिक्शा चलाने वाला है, जिसको लेबर वर्क करना पड़ता है, हार्ड फिजिकल वर्क करना पड़ता है, तो उनकी डाइट के अंदर क्या होता है बेटा, उसकी डाइट में आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए। क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए। और तो लेबर, एथलीट, रिक्शा पुलर होते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हार्ड वर्क करते हैं। और नरिशिंग मदर होती है तो उनको चूंकि अपने बेटे को, अपने बेबी को वो जो होता है फीड करवाती है, तो उनको क्या चाहिए, उनको कैल्शियम चाहिए और प्रोटीन्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, ठीक है, ये ज़्यादा चाहिए। तो नाउ वी हैव स्टडीड, तो अब आपको समझ में आ गया व्हाट इज़ द बैलेंस डाइट, व्हाट इज़ द डाइट, व्हाट इज़ वाटर, व्हाट इज़ रफेज, व्हाट एवर भी। तो अब नेक्स्ट जो है हम लोग करेंगे कल, टुमारो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कंसल्ट मी, एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है, देन शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा।